नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा बिहार। दरभंगा शहर में हुआ दिल को दहला देने वाली हत्या, फिर लोगों में दिखा भयंकर आक्रोश। जी हां, दरभंगा शहर के वार्ड नंबर 1 के मौलागंज में बीती रात भू माफियों ने जमीन के देखभाल करने वाले उपेंद्र दास नामक युवक की निर्मम हत्या कर दी है। इधर हत्यारे दीवार तोड़कर प्लॉट में प्रवेश कर उपेंद्र दास को मार डाला है। वहीं मौके पर उपस्थित एक और व्यक्ति वहां से भागकर अपना जान बचाने में कामयाब रहा। इधर जमीन मालिक मनोज पूर्वे ने बताया है कि उपेंद्र दास मेरा इस जमीन का देखभाल करता था और यहां के भू माफियों ने बीती रात उपेंद्र दास को मार डाला, जिनके 3 बेटी और 1 बेटा था। वहीं मौके पर आए विश्वविद्यालय मबी ओपी और सदर थाना की पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझाने लगे, लेकिन उल्टे ही भीड़ ने पुलिस पर ही आरोप लगाते हुए कहने लगे कि पुलिस इस हत्या को लेकर कड़ी कार्रवाई करने से बच रही है। वहीं मौके पर आए दरभंगा के विधायक संजय सराबगी ने आक्रोशित भीड़ को समझाते हुए सबका मुआवजा दिलाने और इस हत्या में सम्मिलित सभी आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलने की बात कही है। मामला ही जमीन का विवाद चलता था, जमीन मालिक से ब्रोकर सबके, अब कब चलता था कैसे चलता था तो वो जाने। ये ओगरबा है, इनका दादा परदादा सब उगरते आए, अभी भी ओगरबा ही करते थे। और कल खुना जो है सो ये रात में कितनी रात में बाउंड्री टूटा है और ये लड़का को कितनी रात में मारा, कोई गांव का लोग जाना नहीं, न जानने के कारण सुबह में जब महिला लोग उठी है सोच के लिए बाथरूम के लिए, तो हमने उधर से घूमा तो देखा कि बच्चा यहाँ पर नहीं है, देखा उधर, तब हल्ला हुआ, चाय हुआ तो जमीन मालिक का फोन हुआ, गांव में हल्ला हुआ। इसके बाद जो है ये बात ऐसा हुआ है, ये जो रात में जो तोड़ा है वही लोग इसको दबा के जैसे भी वो मारा है। पुलिस आई है? पुलिस आई थी, लेकिन पुलिस का कोई इसमें पति नहीं कर रहे हैं, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं। किसको जमीन का अगुवाई करते थे? ये संजय पूर्वे, प्रदीप पूर्वे, मनोज पूर्वे, उनका जमीन का अगुवाई करते थे। हाँ, इनका बाप दादा किए हैं, अभी तक करते रहे हैं। क्या नाम है इनका? इनका नाम है उपेंद्र दास। कितना उम्र है इनका? वही 32-33 की उम्र होगी। शादी हो गया है? हाँ, 4 बच्चे हैं सर, इनकी पत्नी है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ छेदी दास। यहाँ का स्थानीय निवासी है? जी सर। जो 144 का नॉर्म होता कोई नहीं लगाएगा, इसमें एक रूम बन जाना चाहिए, लैट्रिन हो जाना चाहिए, 8 फीट 7 फीट बाउंड्री हो जाना चाहिए। पहले इनका काम हम लोग बैठ के करवाए, जिनका ऑथराइज था सीओ के तरफ से। सीतारामपुर में का हम लोग का आंसर था, हमारा हिस्सा उधर से मनोजपुर में, मैं हुआ इंजीनियर, मैं भी मतलब उन्हीं के आदेश पे, बिना कहे हुए नहीं, हम भी पत्रांक एसपी ऑफिस में दिए हुए थे, वह पत्रांक नंबर लिखा हुआ राम गोबर सिंह के पास। सीओ का अभी जो लिटरेचर है वो हम अप्लाई किए थे कि ऐसे ऐसे मेरा जमीन है, ये है, हम लोग का मदद की थी। ये दोनों लेटर देके हमको देके बोले हम अपना बाउंड्री ये 15 दिन में करवाया। मेरा भी हाइट हो गया करीब 8 फीट 9 फीट, एक रूम बना दिए, एक लैट्रिन बना दिए, गेट लगा दिए। इतना नॉर्म्स के बाद एसडीओ ऑफिस का पावर नहीं है कि 144 लगाएगा। इसने रिपोर्ट नहीं किया, ये राम कुमार सिंह रिपोर्ट नहीं किया, मौखिक बोल के काम रुकवाया। मौखिक बोलने के बाद यहाँ से ये बाउंड्री तोड़ दिया रात में 8 बजे। मेरा छोटा भाई, 1 मिनट, 8 बजे रात में बाउंड्री तोड़वा दिया, उनका आदेश मान लिया मौखिक में, हम काम बंद कर दिए। तो आप लोग का पूरा मदद किया, काम बंद कर दिया। इससे पहले उधर बाउंड्री टूटा है, ये कितने बजे रात में टूटा है ये हम किसी को जानकारी नहीं होगा। और बात है ये ओगरबा ने बोला, बोलने के कारण इसको दबाकर जिस हाल में हो, 10 थे कि 15 थे, ये तो हम लोग को कोई जानकारी नहीं है किस हाल में इसको मारा। और मरने के बाद सुबह में इनकी हम लोग देखे, इनकी माँ बाप देखे तो इस बात का हल्ला हुआ, पुलिस आई। इसके बाद पुलिस इसमें कोई अथी नहीं ले रहे हैं। अभी तक हम लोग कह रहे हैं कि एसपी साहब को बुलाइए, डीएसपी साहब को बुलाइए, लेकिन इसमें कोई बुलाने की अथी नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम लोग अभी तक रुके हुए हैं कि जब तक एसपी साहब नहीं आएंगे तब तक हम लोग लाश नहीं उठने देंगे, नहीं तो एनएस जाम करेंगे। देखा यहाँ पर जो हत्या हुई है चौकीदार की, अब भी एक चौकीदार है, क्या करेंगे? रात में तो हम निकल गए अथी करके, दीवार जब तोड़ रहा था ना तो हम निकल गए यहाँ से। कौन लोग तोड़ रहा था? अब कौन तोड़ा, रात में थोड़े चिन्हाई होता है। रात में ये लोग उस साइड से दीवार तोड़ा है, उस साइड से दीवार तोड़ा तो हम निकल गए यहाँ। निकलने के बाद हम लोग चल गए हैं, तक बाद ही हत्या हुआ। कौन लोग था, चीने उन लोग को? ना चीने नहीं, रात कितने के लोग, कितने की संख्या में थे? लगभग 8-9 आदमी था। 8-9 आदमी था। कभी देखे थे इस एरिया में उन लोग को? वो एरिया में दिन के नहीं है देखे हैं, कहीं दिन के कहीं में देखे हैं, दिन रात में देखते थे। रात में कहीं को वही रोड से रहता था, कहीं कतार का चिंते हैं ना उन लोग को? ना चिंते नहीं, रात में देखते। चेहरा जानकारी में है ना आपको? चेहरा तो चिंते हैं तो सर हम गर्दन कटवाए अपना नाम बोल के। चेहरा जो है उसको नहीं पहचानते थे हम लोग। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? लक्ष्मण दास। कहाँ पर घर है?
कौन गाँव में? मोहला गाँव में। कौन थाना पड़ता है? थाना प्रवाही कर रहे थे, उनको जान से मार दिए हैं। हम लोग जो जमीन मालिक चल रहा था, जमीन मालिक समझे, आ जमीन मालिक फोटो दिखा रहे हैं कि हमको दे रहे हैं जमीन मालिक मनोज पूर्वे इंजीनियर साहब है। ऊपर में अपराधी घटना बढ़ रही है, यहाँ उपेंद्र दास का की हत्या हो गई है। मैं आस्था पर आया हूँ, थाने की प्रशासन में सबसे सख्त कार्रवाई होगी। जो भी हत्यारा है किसी हालत में भी बचा नहीं जाएगा। उपेंद्र दास अनुसूचित जाति से आते हैं, चौपाल जाति से, उनको प्रशासन के चार्जशीट के बाद 8 लाख का प्रावधान है और 8 लाख में 5 लाख जैसे इसका पोस्टमार्टम हो जाएगा, प्रथम दृष्टया यह सत्यापित हो जाएगा कि हत्या हुई है हत्या, उसको 5 लाख का 50% 4 लाख का चेक तुरंत मिलेगा और उसका बाकी चार्जशीट होने के बाद मिलेगा। यह तो रही मुआवजा की बात। उसके बाद SC ST एक्ट में अगर हत्या हो जाती है तो उसका प्रावधान है चार्जशीट होने के बाद उसको मंथली जो है उसके आश्रित को 8,000 का मुआवजा प्रत्येक माह SC ST के प्रावधान के अनुसार सरकार देती है, वो भी इसको दे। यह तो रही सरकारी मुआवजा की बात। दूसरी हत्या है, जिस जो भी हत्यारा होगा वो बचा नहीं जाएगा। प्रशासन यहाँ है, उसको तुरंत पकड़ धकड़ करेगा, उसको जो है सजा जो है दिलवाया जाएगा, किसी हालत में भी उसको बख्शा नहीं जाएगा। घटनाएं जो भी घटना घट जा रही है हत्यारा पकड़ा जा रहा है और यह दूसरे तरह की हत्या है। जो मुझे बताया गया कल यहाँ जो है कुछ बाउंड्री वगैरह हुआ था, उसमें जमीन विवाद था, जमीन विवाद जिसके कारण था, उन्होंने भी लोगों ने जैसा कि बताया जा रहा है कि उसने हत्या करवाया या किया, ये दूसरे तरह की हत्या है। लेकिन हत्या है, किसी हालत में भी हत्यारा को बख्शा नहीं जाएगा। अविलंब प्रशासन कार्रवाई करेगी और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का प्रयास किया जाएगा और SC ST एक्ट में जो सरकारी मुआवजा का प्रावधान है वो जल्द से जल्द उनको दिलाया जाएगा।